हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज दिव्या अग्रवाल। वेलकम टू द चैनल स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मैं दिव्या अग्रवाल आपको पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री। अगर आप एस्पिरेंट हो गेट एक्सेल के, दैट इज लाइफ साइंसेज के, तो जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो मैं लेने वाली हूँ। सो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, हर उस इंसान तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिसको आपकी और हमारी वीडियोज की जरूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा चीट कोड नंबर वन है, इसमें हम सीखने वाले हैं कि बेसिस क्या होते हैं और कैसे बेसिस के रिस्पेक्ट में, मतलब बेसिस को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं छोटे छोटे यू नो ट्रिक्स से एंड कॉन्सेप्ट से। तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो विद इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आई एम यूजिंग वन क्वेश्चन। ओके, तो मैं ऑन एंड होल क्या करने वाली हूँ, एनिलीन के साथ में कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगी और उन एग्जाम्पल्स को एनिलीन के साथ आपको कंपेयर करके बताऊंगी दैट विच वन इज मोर बेसिक। ओके, सो दिस विल हेल्प यू। सो जैसे कि एनिलीन की अगर आप बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास में यहाँ पे लोन पेयर्स है। अब ये जो लोन पेयर्स हैं, अगर मैं किसी भी चीज की बात करूं दैट इट इज अ बेस। ओके, तो अगर कोई चीज बेस है तो बेस का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेशन, कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन वहां पे अवेलेबल भी होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन आपका अवेलेबल भी होना चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा तो ही तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं। तो अगर आप इस नाइट्रोजन के लोन पेयर्स की बात करोगे तो ये डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो बट ऑब्वियस है कि ये जो लोन पेयर्स हैं वो लेस अवेलेबल होंगे। अगर हम लोन पेयर्स की बात करेंगे तो इट विल बी लेस अवेलेबल, एंड सिंस इट विल बी लेस अवेलेबल तो हम क्या कहने वाले हैं, एज बिकॉज इट इज लेस अवेलेबल तो हम कहने वाले हैं कि इसकी बेसिसिटी अच्छी नहीं होती। पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि एनिलीन इज नॉट गुड बेस बिकॉज नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है वो कॉन्जुगेशन में या रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जिस वजह से वो अच्छा बेस नहीं होता। तो अब इसको मैं इरेज कर रही हूँ। एक साथ में एक और चीज मैं आपके साथ ऐड करना चाहूंगी। आई रिक्वेस्ट यू कि आप इन चीजों को साथ साथ में लिखते रहें सो दैट आपके माइक्रो नोट्स भी साथ में प्रिपेयर हो जाए, राइट? तो जैसे मैंने ये चीज बनाई है, अब इसके रिस्पेक्ट में मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से बना दिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा और आपसे पूछा इस तरह से यहाँ पे ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क दिस इज वन दिस इज टू, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा बेस होगा। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, अगर आप इन नाइट्रोजन के लोन पेयर्स की बात करोगे और यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर्स की बात करोगे तो ऑन एंड होल दिस इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर है वो आपका प्रोटोनेशन करेगा, है ना। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, तभी तो वो बेसिसिटी शो कर सकता है। बेसिसिटी मीन्स प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, और अल्टीमेटली ये प्रोटोनेट कब होगा, वो तभी प्रोटोनेट होगा जब ये लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल होंगे। अब यहां पे ये जो आपको ग्रुप्स दिख रहे हैं ये छोटे छोटे तो है नहीं, ये तो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। और अगर ये ग्रुप्स बड़े बड़े हैं तो बड़े बड़े ग्रुप्स होने की वजह से ये जो लोन पेयर है वो क्या हो जाता है, आपका हिंडर हो जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, SIP, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। स्टेरिक क्राउड की वजह से प्रोटोन इनहिबिट हो रहा है, प्रोटोनेशन इनहिबिट हो रहा है, तो इसकी बेसिसिटी एनिलीन से क्या होगी, कम होगी। तो अगर कंपैरिजन में होगा कि इन दोनों में से विच वन इज बेटर बेस, तो इन दोनों में से अगर हम देखेंगे तो दिस वन इज अ बेटर बेस, दिस इज अ बेकार बेस। रीजन इज कि यहाँ पे जो लोन पेयर्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है बिकॉज इट इज हिंडर्ड बाय टू बड़े बड़े ग्रुप्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, अब मैं इसको कर रही हूँ इरेज, एंड मीन वाइल आई विल राइट मोर एग्जाम्पल्स। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब इसी के रिस्पेक्ट में आई विल बी राइटिंग वन मोर एग्जाम्पल। आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एंड इसके साथ में एक और नाइट्रोजन, एंड लाइक दिस। ओके, तो ये बेसिकली आपका बेस है जिसको हम बोलते हैं ग्वेनिडीन। ओके, दिस इज ग्वेनिडीन। सो अब नाम से कुछ खास वैसे नहीं फर्क पड़ता है, बट जस्ट इन जनरल बता रही हूं मैं आपको। तो होता क्या है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं, इधर रेजोनेट करेगा, इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की मैं बात करती हूँ, ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे ऑन एंड होल अगर मैं ग्विनिडीन की बात करूंगी तो ये दोनों नाइट्रोजन मिलकर इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, यानी कि ये तो बट ऑब्वियस बात होगी कि अगर मैं वन और टू की बात करूंगी तो टू विल बी मोर बेसिक देन वन, ये तो बात एकदम क्लियर है। बट फर्दर मोर अगर मैं इसको और सब डिवाइड करके एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, दिस इज नाइट्रोजन नंबर वन एंड दिस इज नाइट्रोजन नंबर टू, तो आप मुझे बताएं कि विच नाइट्रोजन विल बी मोर बेसिक। अगर इसी में मुझे कंपेयर करना हो कि
विच नाइट्रोजन विल बी मोर बेसिक, तो मैं कैसे इसको यू नो एक्सप्लेन करूंगी, तो आप कहेंगे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करवा दूं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगवा दूं, मतलब मैंने इसको प्रोटोनेशन दे दिया, तो ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो रेजोनेट करके इस नाइट्रोजन की पॉजिटिव इंटेंसिटी को नलीफाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, मतलब रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन मिलता है. बट अगर मैं क्या करूं, यहाँ कार्बन लिखा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर नाइट्रोजन, ऐसे बॉन्ड्स बनाए और यहाँ पे भी इस तरह से बॉन्ड्स बनाए, और अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने इस नाइट्रोजन को प्रोटोनेट कर दिया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया, आपको पता है नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना सकता है, अगर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा. और नाइट्रोजन, एक याद रखना बात, फोन एफ एन जो नाइट्रोजन है वो आपका थर्ड नंबर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है इन पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में. तो क्योंकि नाइट्रोजन आपका बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव, अच्छा खासा 3 समथिंग इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो इसकी क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को होल्ड नहीं करना चाहता, कुछ भी करके वो अपने आप को नलीफाई करना चाहता है, न्यूट्रलाइज करना चाहता है. तो अगर मैं नंबर वन नाइट्रोजन नंबर वन और नाइट्रोजन नंबर टू की बात करूंगी, तो नाइट्रोजन नंबर वन को अगर मैं प्रोटोनेट करती हूं तो इसको कोई भी नाइट्रोजन आके रेजोनेट नहीं कर पा रहा है, मतलब इसको नलीफाई, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है. बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला लोन पेयर भी इसको नलीफाई कर पा रहा है और यहाँ पे जो लोन पेयर्स प्रेजेंट है वो भी इसको क्या कर पा रहा है, नलीफाई कर पा रहा है. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं वन और टू को कंपेयर करूंगी तो बट ऑब्वियस है दैट टू इज मोर बेसिक देन वन, ये बात बिल्कुल सही है. बट अगर मैं फर्दर मोर इस ग्वानिडीन में ही तीन नाइट्रोजन्स में से ये दोनों तो सेम है, दिस वन एंड दिस वन एग्जैक्टली सेम, तो वन और टू में से फिर भी कंपेयर करूंगी तो भी सेकेंड वाला मोर बेसिक होगा वन से. आई होप आप मेरी बात को बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे. मैं इसको कर देती हूँ इरेज और तीसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं. ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पार्ट. एंड अब देखो, अब एक एग्जाम्पल और आई एम राइटिंग हियर. जैसे कि आपने मतलब हर एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट में आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ. आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे. नहीं समझते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना सो दैट हम उसको एक्सप्लेन कर सके दूसरे तरीके से. सो देखो, ये एक एग्जाम्पल है. यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे अवेलेबिलिटी है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है. इसको अगर मैं और ढंग से बनाऊं तो ये बेसिकली इस तरह से नजर आता है. दिस इज अ ब्रिज हेड कंपाउंड. ओके, दिस इज अ ब्रिज हेड कंपाउंड. यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है. तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगी तो आपको लगेगा यार ये जो नाइट्रोजन है ये तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो नाइट्रोजन है ये तो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. कैसे है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड? बिकॉज नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं वो रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहे हैं और रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है ये जो लोन पेयर होगा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, मतलब जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा. पर अगर हम इस नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये नाइट्रोजन रेजोनेंस नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इट विल वॉयलेट ब्रेथ्स रूल, BREDD. ओके, ब्रेथ्स रूल को वो क्या कर देगा, वॉयलेट कर देगा. ब्रेथ्स रूल क्या बोलता है कि ब्रिज हेड कार्बन या ब्रिज हेड एलिमेंट पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, वो प्लेनर नहीं हो सकता. बिकॉज ब्रिज हेड मतलब, ब्रिज हेड का मतलब होता है कि वो प्लेनर नहीं है और अगर वो प्लेनर नहीं है तो उसमें sp2 कैरेक्टर अगर आ जाएगा, sp2 का मतलब ही होता है प्लेनैरिटी. अगर मैं sp2 कहती हूं तो sp2 का मतलब क्या होता है कि वो प्लेनर हो गया, तो ये sp2 कभी हो ही नहीं सकता. तो इस वजह से ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं ये यहाँ पे रेजोनेट तो कर ही नहीं पाएंगे. रेजोनेट नहीं कर पाएंगे तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स होंगे वो अवेलेबल होंगे, फ्रीली अवेलेबल होंगे यू नो प्रोटोनेशन करने के लिए, H+ को एक्सेप्ट करने के लिए. तो ये जो लोन पेयर है वो इस प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा और वहां पे बॉन्ड बहुत ही आसानी से बन जाएगा. तो अगर हम इसको और इसको इंडिविजुअली देखते हैं, अगर हम इसको और इसको इंडिविजुअली देखते हैं, दैट विच वन, इसको हम टू इसको वन बोल देते हैं, दैट विच वन इज मोर बेसिक एंड बट ऑब्वियस सेकंड वन विल बी मोर बेसिक देन वन, दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्रेथ्स रूल. अगर ये रेजोनेट कर सकता तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता, ये कम बेसिक हो जाता. बात समझ पा रहे हो? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, ठीक है, और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यार ये ज्यादा बेसिक है कि ये, तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा एनिलीन से भी. क्यों? बिकॉज दिस इज एन एमाइड और ये जो एमाइड है, एमाइड तो ये भी है बट ये वाला एमाइड ब्रेड स्टूल को फॉलो कर रहा है. यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, वो तो ब्रिज हेड है, पर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है. इसको अगर मैं लिखना चाहूंगी
तो इट विल लुक लाइक दिस. ओके, अब अगर ऐसा हो जाएगा तो आप देखो ये वाली जो चीज है यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बट ऑब्वियस है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ऑक्सीजन बींग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, FON मैंने अभी अभी बताया था आपको, ऑक्सीजन बींग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इट कैन होल्ड निगेटिव चार्ज ऑन इट सर्फेस वेरी टाइटली. तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज बहुत अच्छे से आ सकता है. आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे. तो इसी वजह से अगर हम वन को, टू को और थ्री को बेसिसिटी के टर्म्स में अरेंज करना चाहेंगे तो सबसे अच्छा बेस हो जाएगा आपका थ्री, उसके बाद हो जाएगा टू, उसके बाद आ जाएगा वन. वन लास्ट में आने का मूल कारण है कि रेजोनेंस करते वक्त जो पार्किंग ऑफ निगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है, और यहां पे अगर हम देखेंगे तो जो पार्किंग ऑफ निगेटिव चार्ज है वो कहां पे आती है, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी सैरो को मैं इधर ही दिखा दूं तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने वाला है, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आने वाला है, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आने वाला है, बट यहाँ पे तो ऑक्सीजन पे आ रहा है और ऑक्सीजन तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, जिसकी वजह से उसकी बेसिसिटी बहुत ही बढ़िया होगी. आई होप आप मेरी बात को बिल्कुल समझ पा रहे होंगे एंड मैं इसको इरेज कर रही हूं. ओके चलो और एग्जाम्पल देखते हैं. सो देखो अब जैसे कि मैंने इस तरह से एक और एग्जाम्पल देखा, आप एक एक बात को बस समझते जाना तो आपको फायदा होगा. इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, ये बहुत ही बढ़िया बेस होता है, इसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है. अब इसको अगर मैं देखूंगी तो ये चीजें और एक और लिख देते हैं इसी के साथ कंपेयर करने में तो आपको ज्यादा मजा आएगा. इस तरह से मैंने बनाया, ठीक है, तो अगर आप देखोगे यार ये जो पर्टिकुलर नाइट्रोजन है दिस इज टर्शियरी इन नेचर, दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन इज ऑल्सो टर्शियरी इन नेचर, दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन इज टर्शियरी इन नेचर, दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन इज ऑल्सो टर्शियरी इन नेचर. मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूं कि ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे क्या होती है ना, रिंग फ्लिपिंग हो सकती है. रिंग फ्लिपिंग आप आई होप समझ पाते होंगे, जैसे नाइट्रोजन है यहाँ पे हमारे इस तरह से तीन बॉन्ड्स बने हुए हैं यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन का स्टेबिलिटी, नाइट्रोजन की इस फॉर्म में स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है तो वो क्या करता है स्प्लिप फ्लिप करता रहता है ना, तो फ्लिप करने की वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर ऊपर नीचे जाता रहता है, और अगर फ्लिपिंग होती है तो फ्लिपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी. अगर फ्लिपिंग होगी तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो अगर मैं कंपेयर करना चाहूं, पहले मैं इसको इससे कंपेयर करूंगी तो आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे दैट टू विल बी मोर बेसिक देन वन, बिकॉज वन में पहली बात तो वन में जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, वो आपका एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लोकलाइज्ड है. लोकलाइज्ड का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्टेग्नेंट खड़े हुए हैं, वो रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं, बट अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे तो ये रेजोनेंस में टेक पार्ट कर पा रहा है ना. तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि इसको अगर हम देखेंगे इंडिविजुअली तो ये चीज आपकी लेस बेसिक होगी देन दैट ऑफ दिस. ओके, पर अगर मैं इस थ्री को, इसको मैं थ्री बोल दूं, और अगर मैं टू और थ्री को कंपेयर करना चाहूंगी तो 2 will be more basic than 3. Why? Because 3 में क्या आता है, flipping आ जाती है, ठीक है, 3 में क्या आ रही है, flipping आ रही है, but 2 में flipping नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके जो bonds है वो क्या tighten है, ये आपके क्या hindered है, strained है, तो hindrance होने की वजह से, strain होने की वजह से वो flip नहीं कर पाता, और flip नहीं कर पाता तो basicity बढ़ जाती है. तो अब अगर मैं 3, 1 और 2 को कंपेयर करना चाहूंगी विच वन विल बी मोर बेसिक, तो आपके अकॉर्डिंग और मेरी भी अकॉर्डिंग सेकेंड वन, आपका सेकेंड वाला ज्यादा बेसिक होएगा, फिर भी थर्ड वाला फिर जीत जाएगा. ओके, उसके बाद में वन, थर्ड वाला मतलब है तो sp3 ना, भले ही फ्लिपिंग कर रहा है तो sp3, एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन पे अवेलेबल तो है, बट यहाँ पे तो रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इससे 2, 3, 1 विल बी द करेक्ट ऑर्डर. आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे. ओके चलो, सो अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं यहां लिख रही हूं नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन है और यहां पे हमारा लोन पेयर है, तो इसमें तो मतलब आई डोंट थिंक किसी को इश्यू होगा, क्योंकि यहां पे जो नाइट्रोजन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज सेकेंडरी इन नेचर, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर इज यू नो लोकलाइज्ड. इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है. लोकलाइज का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर उसी साइट पे अवेलेबल है, दिस इज लोकलाइज्ड. एम आई क्लियर? और अगर हम इस नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ओके, तो इट इज बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पे ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है. डीलोकलाइज का मतलब क्या हो गया कि जो लोन पेयर्स हैं वो रेजोनेंस में टेक पार्ट करेंगे, ठीक है,
तो मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो अगर हम वन को और टू को कंपेयर करते हैं देन सेकेंड वन विल बी मोर बेसिक देन फर्स्ट वन। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस लिख देते हैं। तो इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं और कोई डिफरेंट, यस एक और कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन आपने बनाया और यहाँ पे आपने लोन पेयर्स बनाया। ओके, अब अगर आप इन दोनों में से कंपेयर करोगे तो आप सोचोगे यार ये जो नाइट्रोजन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, रेजोनेंस में इन्वॉल्व्ड है लोन पेयर्स। और अगर हम इस नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो बताओ वन और टू में से कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? तो आंसर इज सेकेंड वन विल बी मोर बेसिक देन फर्स्ट। रीजन क्या है इसका? ये आपका पिरिडीन है। ओके, और पिरिडीन में ऑलरेडी जो नाइट्रोजन है इसके पास में ऑलरेडी, देखो मैं एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ, आई विल नॉट टेक मोर ऑफ योर टाइम। तो देखो जैसे हमारे पास ये नाइट्रोजन है इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये वाले ऑर्बिटल जो px, अगर मैं इसको z एक्सेस बोल दूं, ठीक है, जो pz ऑर्बिटल है वहां पे ऑलरेडी रेजोनेंस हो रखा है। तो अगर pz ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और अगर ये नाइट्रोजन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो बट ऑब्वियस बात है यार इसका जो एक ऑर्बिटल होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और उसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर्स प्रेजेंट है। मतलब इस लोन पेयर का तो सवाल ही नहीं उठता कि वो रेजोनेंस में टेक पार्ट कर ले, बिकॉज वो परपेंडिकुलर है। ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे तभी तो ओवरलैप करेंगे, परपेंडिकुलर होंगे तो ओवरलैप नहीं करेंगे। तो इस वजह से ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं कर सकता। तो इट इज अवेलेबल एंड देयरफॉर इट इज लोकलाइज्ड। ओके, दिस इज अवेलेबल एंड दिस इज लोकलाइज्ड, सो देयरफॉर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। एंड फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चीट कोड नंबर 2। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।